तीन बार से हमको चुन रहे हैं, तो कहीं तो कुछ बात है। जल जमाव का समस्या हमारे वार्ड से खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, हम 300-400 आवास कहाँ से दे सकते हैं। जो नमस्कार, अपना जमुई देख रहे हैं आप और मैं हूँ रोहित सिंह। नगर निकाय चुनाव चल रहा है और जमुई नगर परिषद से वार्ड नंबर 19 से चौथी बार अपनी किस्मत आजमाने राकेश कुमार उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है, फीडबैक जनता का कैसा मिल पा? जनता का फीडबैक पिछले तीन बार से हम हैं, 15 वर्षों से हैं, और वार्ड में जो भी काम कराया गया है हमारे द्वारा ही करवाया गया है और संतोषप्रद है। मतलब लोग चाहते हैं कि हम रहें। आप नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे में जल जमाव एक समस्या वार्ड नंबर 19 में है, इसके निराकरण को क्या कुछ आपने अभी तक किया है और अगर जनता ने एक बार और मौका दिया तो क्या करेंगे? देखिए, नगर परिषद में ऐसे भी नगर पालिका से हम लोग के मन में दिमाग में ये बैठता है कि साफ सफाई नगर में बढ़िया होना चाहिए, तो साफ सफाई हमारे वार्ड में बहुत बढ़िया है। 6 लेबर रोज आता है और साफ सफाई करता है, और जल जमाव का समस्या है। जिस समय 2007 में हम चुनाव जीत करके आए थे पहली बार, तो उस समय एक भी गली, चूँकि पुराना वार्ड है, पतली पतली गली है, कहीं कोई पक्कीकरण नहीं हो सका था, कच्ची कच्ची गली थी। जब जीत करके हम आए तो सारे का पक्कीकरण सबसे पहले हुआ, सरकार की योजना थी नली गली पक्कीकरण योजना, उसके तहत सारे का पक्कीकरण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जल जमाव का समस्या जब बसने लगा बढ़िया से नगर, पहले तो पूरा खेत उथुआ करता था तो पानी उनी निकल जाया करता था, लेकिन इधर 5-6 वर्षों से जब शहर बस गया है बहुत ज़्यादा और लोगों ने अपने अपना मकान बना लिया है, तो जल पानी जो निकलता था जिधर तिधर निकल जाता था पहले, उसका बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं था, तो फिर पानी सड़क पर जमने लगा पानी। तो उसके लिए एक मास्टर नाला हमने निकाला है, अभी गांव का एक नाला जो मेन पानी निकलना है वो निकल चुका है। अब है कि पूरे गांव को छोटे छोटे नाली बना करके और जोड़ना है उस नाले में। अगर वो सब इस बार का हमारा प्रोग्राम है कि अभी हम जीत करके आते हैं तो सारे माने पूरे को जोड़ देंगे और जल जमाव का समस्या हमारे वार्ड से ख़त्म हो जाएगा। नल जल योजना की स्थिति क्या है, क्योंकि अक्सर वार्डों में हम घूम रहे हैं तो नल जल योजना की स्थिति बेहतर नहीं पाई जा रही है, तो आपके वार्ड में नल जल की स्थिति कैसी? हाँ, हमारे वार्ड में 250 घर में नल जल का व्यवस्था किया गया है, पानी बहुत बढ़िया। मतलब एक दिन अगर किसी कारण से बत्ती नहीं रही, बिजली का की कमी से अगर मोटर बंद रहता है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और मतलब हमारे पास शिकायत आ जाती है कि पानी आज नहीं चला, तो इसका मतलब लोग पानी का यूज़ कर रहे हैं और बढ़िया स्थिति है। हमारे यहाँ पानी नल जल योजना बढ़िया काम कर रहा है पिछले 2.5-3 वर्षों से। आवास योजना की क्या स्थिति है? हम लोगों ने जब विभिन्न वार्डों का दौरा किया था तो कई वार्डों में समस्या आ रही थी कि पैसे लेकर आवास दिए गए हैं और ज़रूरतमंदों को आवास नहीं दिया गया। कृष्णपट्टी में क्या है, आपने आवास योजना में क्या कुछ योगदान दिया है अपने जनता के लिए? हमारे यहाँ भी 60 से 65 आवास बना है, चूँकि शहर का ये मोहल्ला है, हमारा वार्ड एकदम बीच शहर, मतलब हार्ट कह सकते हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा नहीं, हम 300-400 आवास कहाँ से दे सकते हैं। जो लोग सरकार का जो मापदंड है कि ऐसे लोगों को मकान देना है, तो वैसे लोगों को आज हमारे मतलब वार्ड में घूमिएगा तो एक भी आपको फूस का या खपड़ेल मकान नहीं मिलेगा। बिल्कुल सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर हुआ है, और एकाध दो छूट सकता है उसको नहीं कर सकते हैं, तो अगले वर्ष जो हम जीत करके आते हैं तो एक दो ही होगा तो होगा, नहीं तो हमको लगता है कि वो भी नहीं होगा, क्या हो सकता है। 15 साल से आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता में एंटी इनकम्बेंसी भी आपके प्रति आई होगी। देखिए, एक चीज़ होता है ना कि जैसे ग्लास में पानी आधा भर करके रख दीजिए तो हम कहेंगे कि आधा भरा हुआ है, और जो विरोधी कहेंगे आधा खाली है। ठीक है, जो आधा भरा हुआ है वो हमारे द्वारा भरा गया है, जो खाली है मान लीजिए थोड़ा बहुत कमी। अब सारा काम एक बार पूरा नहीं, सरकारी योजना है, सरकार का ये फंड आता है। पिछले 2 साल हम लोग कोरोना में फंसे रह गए, योजना तो बहुत था कि बहुत काम करना है,
दो साल ढाई साल कोरोना पीरियड चला, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, किसी तरह का काम करने में सक्षम नहीं कोई भी कहीं भी, पूरे नगर का यही स्थिति रहा। वो विरोधी तो बोलेंगे ही कि हाँ मतलब कमी है कमी है, लेकिन वार्ड के लोग अगर तीन बार से हमको चुन रहे हैं तो कहीं तो कुछ बात है। 15 साल से आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई 5 योजनाएं जिसको कि आप अपनी सफलता मानते हैं? देखिए सफलता पिछले जैसे जल जमाव की समस्या हमने बताया कि हमारे वार्ड में जल जमाव की समस्या है, तो हमारे प्रयास से हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या को देखते हुए हमारे ही प्रयास से एजेंसी को बुक करके उसके लिए DPR बनाया गया है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा है आवास योजना सफलतापूर्वक हमारे वार्ड में बहुत अच्छे से सब आवास योजना, जिन लोगों को मतलब जो ज़रूरतमंद थे उनको आवास मिला है। तीसरा है नल जल योजना, सफलतापूर्वक हमारे वार्ड में नल जल योजना चल रहा है, लोगों को कोरोना काल में अनाज घर से नहीं निकलना है तो सरकारी योजना जो मतलब सरकारी गल्ले की दुकान थी समय से हमारे वार्ड में खुलना है, और राशन कार्ड जितने लोगों को मिला है सारे लोगों को बंटना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समय से बंटता है। हमारे वार्ड में जितने लोग मतलब वृद्ध हैं या फिर विकलांग हैं, वृद्धा हैं, जिन लोगों को पेंशन मिलना है, पेंशन का लाभ मिलना है, वो भी सारा वार्ड में अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग प्रसन्न हैं, और इस बार भी भारी बहुमत से हमें जिताएंगे। अंत में एक सवाल और आपसे कि इस बार चौथी बार आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो इस बार चुनाव में आपका चुनाव चिन्ह क्या है और जनता को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? चुनाव चिन्ह हमारा वायुयान है, EVM मशीन पे चौथे नंबर पे बटन दबाना है, और मतदाता से यही अपील है कि हमको जिताएं और हम आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे राकेश जी, जो कह रहे थे कि मतदाता हमारे ऊपर भरोसा जताएं और हम उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वार्ड में क्या कुछ विकास किया इसके बारे में उन्होंने बताया, और 15 साल के इनके कार्यकाल को उन्होंने बताया कि अगर आप नज़रिए से देखें, नज़रिए की बात है, या तो विकास को आप आधे भरे गिलास से देखेंगे या आधे खाली गिलास से, अब जनता तय करेगी इनकी किस्मत। मैं अपना जमुई के लिए रोहित सिंह।